बेसिक जो अपने व्यंजन है अपने उसका एक मिश्रण किया है, अलग तरह कॉन्सेप्ट किया। देखिए हमारा करियर 99-2000 से स्टार्ट हुआ न्यूजीलैंड, मैं 98 से चला गया था न्यूजीलैंड, और 2000 से मैंने एक ब्रांड डेवलप किया जिसका नाम रवि, हमारे नाम पे मेरा नाम रवि है, तो जेट में न्यूजीलैंड से लिया था, तो रवि। और स्टार्टिंग में नहीं पता था कि वो बेस्ट ब्रांड को मैं पूरे कंट्री में, जब उस टाइम की वो कंट्री में वन ऑफ द पॉपुलर और बिगेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट ब्रांड बना था, नो और पीपल डेट से मैकडोनल्ड के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। तो इंडियन तो हमने बहुत, इंडियन और इंडियन चैनल हमने बहुत साल किया, 12-20 साल हमने किया, इंटरनेशनल में ट्रैवल बहुत करता था। मैं कलकत्ता से हूँ, मेरे डिटर्मिनेशन था कि इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट लेके आना है कि लोग को लगे कि हाँ कुछ नया है, और खाली प्रोडक्ट की बात नहीं, खाली कुकिंग की बात नहीं है, काफ़ी एरिया है जो लोग नहीं देखते हैं कि बैक एंड से क्या काम होता है, वो मेरे को करना है, लोग को बताना है कि खाने का साथ साथ हाइजीन स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हाइजीन स्टैंडर्ड यहाँ लोग नहीं मानते हैं, बट इंटरनेशनल जब हम जाते हो तो थोड़े छोटे छोटे बारीकी जो हम यहाँ मिस करते हैं वहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है, वो चीज़ है। सरकस सरकस का थीम जो है, मैं मलेशियन कुकिंग का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ, यू नो, क्योंकि बहुत सिमिलर इंडियन से है बट डिफरेंट है। तो ये सरकस सरकस का जो थीम है, एक तो फंकी थीम है, यू नो, और कुकिंग का ऐसा नहीं कि फ्यूजन है, ये बिल्कुल फ्यूजन नहीं है। टोटल मेन्यू हमारा जो है साउथ ईस्ट एशियन कुजीन है, मलेशियन डोमिनेटेड बाय मलेशियन एंड इंडियन। तो टिपिकल नॉर्थ इंडियन मेन्यू, एक पार्ट ऑफ मेन्यू में देखेंगे तो टिपिकल नॉर्थ इंडियन, हाफ मेन्यू नॉर्थ इंडियन मलेशियन, और साथ में थोड़े बहुत चाइनीज और थाई की कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सैलड्स है, हेल्थ फूड काफ़ी है। तो ये जो है, मैं काफ़ी ये एरिया में रहता हूँ, मैंने जब भी आता हूँ तो ये एरिया में रहने का मौका मिलता है। तो ये पिक्चर मेरे को लगा कि ये अंधेरी वेस्ट में जो है इसका रिक्वायरमेंट है, और जगह काफ़ी दिनों से मैं तलाश में थे कि जगह मिले, अभी फिलहाल बहुत छोटा जगह मिला है, बट प्लान ही है कि अपने को बड़ा ब्रांच खोलना है, बिगर आउटलेट खोलना है, काफ़ी खोलना है, और कवर करना है, मुंबई सिटी कवर करना है। प्लस जब एक बार ये ब्रांड यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम ये इंडिया बेस्ड बनाएंगे, अगर हम जाकर ओवरसीज में कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो डिटर्मिनेशन ये है कि हम ये जो ब्रांड है हमारा सरकस सरकस से, और कुछ जिस तरह खुद ही हम ऑफर कर रहे हैं, हम इंडिया में ब्रांड को काबू कर सकते हैं। देखिए ज़रूरत ये है कि काफ़ी मलेशियन इंडियन कुकिंग ऐसा है कि कुछ खाना ऐसा है, व्यंजन ऐसा है कि वाइन के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग यहाँ पर अभी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लान यही है कि बेस्ट वाइन जो वर्ल्ड का बेस्ट वाइन है वो हम इम्पोर्ट करें, और वो खाने के साथ हम एक कॉम्बिनेशन बना के लोग को बताए कि आप यू नो वाइन के साथ कौन सा खाना अच्छा कॉम्बिनेशन में जाता है। नहीं, मिक्स नहीं करेंगे बिल्कुल, हमारा मेन्यू जो है हाफ ऑफ द मेन्यू जो है एकदम टिपिकल नॉर्थ इंडियन है, मैं नॉर्थ इंडियन फूड का ही जो हमने काम किया है चीज़ का, यू नो, पूरे गोरे को जो न्यूजीलैंड में गोरा नहीं खाना जानता था उसको हमने खाना सिखाया है। अब बिल्कुल जब हम गए थे वहाँ पर सिर्फ 4 या 5 रेस्टोरेंट हुआ करता था, आज ऑकलैंड शहर में कम से कम 150 रेस्टोरेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर तक रवि के को वहाँ पर खाना खाने, हाँ जी हमने सभी में 20 साल से मैं रवि के खाने को भी ऑकलैंड में हमने सभी को कैटर किया, इंडियन टीम से लेकर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, हमने जितने रेस्टोरेंट खुलाया लाइक यू नो, सो एक अलग लेवल में लेके गए थे। तो ऐसा नहीं है, मिक्स नहीं है, इसलिए मैं पहले बताया फ्यूजन नहीं है। प्लान ये है कि सर्कस सर्कस में साउथ एशियन का एक कॉम्बिनेशन रहे कि लोग को अगर मलेशियन खाना तो मलेशियन भी खा सकता है, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन कुजीन भी खा सकता है। कुछ नहीं है, बस काफ़ी फंकी नेम है और लोग को मज़ा आएगा। इंटीरियर हम भी, अभी ये जगह छोटा था, हमारा जो थॉट प्रोसेस था, हम काफ़ी चीज़ हम करना चाहते थे, बस जगह बहुत कम था कि हम कर ही नहीं सके, बट बहुत जल्दी यू नो एक बड़ा जगह की बात चल रही है और बहुत अच्छा न्यूज़ मिलेगा बहुत जल्दी। तो इंडिया में किस तरह से आगे प्लानिंग कर रहे हैं आप, मतलब जैसे आपने कहा स्टार्ट ही किया है, आगे कुछ एक स्पेसिफिक बताइए आप किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग यही बोला, ब्रांड फ्लरिश करना है, पहले तो हमको ब्रांडिंग करना है, वो हमारा मेरा एक्सपर्टीज़ वही है, यू नो कि एक आउटलेट खोलते हैं, हम ब्रांडिंग करते हैं अपने को,
और जितने हमारे जो भी हम यू नो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं, कुजीन बेचना चाहते हैं, उस पर काफ़ी अभी जैसे 15 दिन से हमारा फूड टेस्टिंग चल रहा है। 25 दिसंबर में हमने पहला फूड टेस्टिंग स्टार्ट किया था। 15 अभी मेन्यू भी हमने 80-90% हमने अभी जो है टेस्टिंग हमने कंप्लीट किया है। तो काफ़ी प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि हम जाते हैं खोल देते हैं, तो उस चीज़ पर काफ़ी बारीकी से ध्यान देते हैं, यू नो हेल्थ वाइज भी ध्यान देते हैं कि क्या चीज़ हमको यूज़ करना प्रोडक्ट। तो अभी काफ़ी चीज़ हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, हम ट्राई करें उसको इम्पोर्ट करने का, वो चीज़ का कोई तरह का स्पाइस वगैरह है, जो सॉसेस वगैरह है, ऐसा ही है। तो जो आ रहे हैं आप आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कुछ सामने से कुछ इनपुट मिल रहा है आपको कि ये करें वो करें ऐसा करें ये अच्छा है वो अच्छा है? बिल्कुल, अभी जितना फूड टेस्टिंग हमने कम से कम 200 लोगों को करा चुके हैं फूड टेस्टिंग, और सभी ने कुछ कुछ तो ऐसा है कि उन्होंने खाया नहीं है, बोलता बॉम्बे में हमने नहीं खाया, हमने रेडांग सॉस नहीं खाया, हमने कुछ ऐसा नहीं खाया, सांभर नहीं खाया, तो लोग का काफ़ी यू नो तारीफ हो रही है खाने के बारे में, और लगता है कि यू नो और आप लोग आए हैं तो आप लोग प्लीज़ ट्राई करें, आप लोग ये बताएं कि यू नो डिफरेंट कैसा है। देखिए चाइनीज़ इंडियन तो सभी बेच रहा है, यू नो प्रॉपर है, बट हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं, और जहाँ तक लगता है कि ये मार्केट है अलग का। बहुत ही अपबीट है और बहुत ही स्ट्रांग है, जितना बड़ा ब्रांड है उस तरीके से ओपनिंग नाइट में ही उस थीम को बरकरार रखा गया है। अब अगर नीचे से अगर आप ऊपर आ रहे हो तो आप देखोगे कि जगलर्स है, जोकर्स है, सारे के सारे। तो सर्कस के बारे में जो इसके ओनर है रवि सिंह जी का ये कहना है कि सर्कस ये हमारे लिए बहुत ही सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो उस ओल्डेस्ट फॉर्म को एंटरटेनमेंट को बरकरार रखा गया है। हर बार उस तरीके से जब आप यहाँ आते हो तो जो एंटरटेनमेंट होता था सर्कस में वो एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मतलब ये जो ईटरी है ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की जगह है। तो इस एक्सपीरियंस को महसूस करने के लिए आपको इस जगह पे आना पड़ेगा, और जिस तरीके से आप यहाँ आकर जितने भी डिलिकसीज हैं, जितनी डिशेज़ आप अगर खाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितना खूबसूरत इसका एम्बियंस है उतना ही खूबसूरत इनका स्प्रेड भी है। अगर खाना नहीं वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ जगलर्स में मिलेंगे, आपको एम्बियंस देख के ऐसा लगेगा कि ये एक एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, खाने के साथ साथ एक्सपीरियंस एंटरटेनमेंट भी है। अगली बार हो सकता है कि हाथी घोड़े भी आपको देखने मिले सर्कस में। यूनिकनेस काफी अच्छी लगती लोगों को, कुछ अलग कुछ नया, तो यहाँ पर ये यूएसपी क्या लग रही है, बेहतर लग रही है चीज़ के लिए? देखिए तो क्या है कि साउथ एशियन जो फूड है वो रेगुलर नहीं है, लोगों ने जो है चाइनीज़ तक तो खाया है, थोड़ा बहुत थाई फूड भी जो है आजकल काफ़ी जगह इंडिया में और बॉम्बे में मिलना शुरू हुआ है, लेकिन मलेशियन फूड जो है वो इतना यूज़ टू लोग अभी बॉम्बे के या इंडिया के लोग हुए नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल नई रेसिपीज़ होगी और वो एक अपने आप में एक्सपेरिमेंट है, और जैसा गिरीश ने कहा कि यहाँ पे जो है साथ में सिर्फ फूड नहीं है एक्सपीरियंस है, तो उसको मैं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस बेहतर वो इंटरटेनमेंट भी है। तो यू कैन एंटरटेन योर सेल्फ व्हाइल यू आर हैविंग फूड एंड यू आर ईटिंग। चीज़ें आपकी टेस्टी होगी, कुछ स्वाद जी कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी मतलब खासकर मलेशियन जो इंडियन ब्लेंड है उसकी बहुत सारी नॉनवेज डिशेज हमने ट्राई की, ऑसम है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उसको ट्राई करें। साथ ही साथ इस ब्रांड की ये जस्ट शुरुआत है, इसके आगे भी बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग जगह पर होंगे, लेकिन आज की खास ओपनिंग नाइट का सबसे बड़ा जो USP ये है कि हम चाहते हैं कि सारे लोग यहाँ पर इस एक्सपीरियंस को इन्जॉय करें, देखें कि किस तरीके से डिशेज़ हैं, किस तरीके का एम्बियंस है, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्विस, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आपको यहाँ पर सर्विस भी देखने मिलेगी, एम्बियंस भी देखने मिलेगा, पर अच्छा खाने की टेस्ट भी मिलेगी। हाँ मुझे बड़ा, पहले तो अपने नाम में, नाम जो है अपने आप में अलग है, सर्कस देख के सुन करके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ अलग होगा, लेकिन जब हम यहाँ आए और यहाँ का जो स्वाद लिया, चाहे वो चिकन का आइटम हो, चाहे मशरूम का आइटम हो, पनीर का आइटम हो, वो सारे मैंने टेस्ट किए, तो उसका फ्लेवर, उसका स्वाद, मतलब कई चीज़ों को आप सादगी से बनाते हैं और खाते हैं तो उसका एक अलग मज़ा होता है, लेकिन कुछ चीज़ों को आप खाते हैं उसमें
किस व्यक्ति का क्या उसमें मसाला मिला हुआ है, क्या उसका स्पेशलिटी है, वो यहाँ पर आकर आपको स्वाद में पता लगे, क्योंकि ये स्वाद ऐसी चीज़ है कि आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लेन करने में शायद शब्द छोटे होते हैं, क्योंकि स्वाद जीभ की बात है। तो वो आप लोगों ने खाया है तो अलग बात है, नहीं खाया तो आप खाएंगे तो फिर आप वही चीज़ बोलने लगेंगे। देखो, एक आदमी का शिद्दत होती है, कोई आदमी घर चलाने के लिए होटल खोलता है या एक छोटी सी दुकान खोलता है कि उसका सर्वाइव हो जाए, लेकिन एक आदमी अपने चीज़ों को, अपने सोच को, अपने दिमाग से, क्योंकि सारा खेल आज हम देख रहे हैं दिमाग जिसके पास है वही बिजनेस कर रहा है, तो वो एक चीज़ जो है इस जगह पे आके मुझे महसूस हुई, क्योंकि रवि ने और जगह तो काम किया ही है लेकिन यहाँ पे उनकी शुरुआत है, तो वो चीज़ उस आदमी का विजन समझ में आता है। मेरी अभी दो फिल्मों की शूटिंग चल रही है, एक तो बावले उतावले है, वो पवन जी की है जिन्होंने अभिमान पिक्चर बनाई थी, वो एक शूटिंग चल रही है, दूसरी चल रही है खली बली जिसमें धर्म जी है, मधु जी का कमबैक है, विजय राज, राजपाल, मैं, हम तीनों ही। थैंक यू। सर्कस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मुबारक हो रवि जी को इसके लिए कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जगह खोली है यहाँ पे, जो कि मलेशियन और इंडियन क्विजीन है, तो मे बी दे आर मेकिंग सम फ्यूजन हियर, सो मुझे तो बहुत पसंद आया टेस्ट, और इवन एम्बियंस इज़ वेरी नाइस विथ सर्कस के नाम को बिल्कुल ही वो स्टिक किए हुए विथ रेड एंड वेरी वाइब्रेंट कलर्स, सो आई लाइक दैट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड इसकी जब आपने सुना रेस्टोरेंट के बारे में सर्कस का, तब आपके माइंड में क्या क्या रिएक्शन आया? हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बिकॉज व्हेन यू हियर द नेम लाइक सर्कस तो ऐसा लगा कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लाइक जैसे हम सर्कस देखते बचपन में, तो मेरा बचपन जग उठा था कि आई एम लाइक ओ माय गॉड, जो हम छोटे थे तो सर्कस सोचते थे तो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट दिखती थी, तो आई थॉट लाइक दैट, बट यहाँ पे आया तो सब कुछ बहुत अच्छा वैसे ही है, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे न्यू, बिकॉज पूरी वॉल पे आपको बहुत अच्छे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है, कलर बहुत अच्छा है, एंड एम्बियंस इज अमेजिंग, सो बहुत खूबसूरत जगह ये। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू सो मच। हाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रवि जी फॉर यू नो स्टार्टिंग दिस रेस्टोरेंट विद द नेम ऑफ सर्कस, बिकॉज सर्कस इज़ वन थिंग विच व्हेन यू से सर्कस, आप भी सब लोग जब देख सर्कस की बात करते हैं तो हमारे बचपन की बहुत सारी मेमोरीज अटैच होती हैं सर्कस के साथ, और सर्कस का नाम लेते ही एक हैप्पीनेस हो जाती है, क्योंकि आजकल हमारी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, इतना स्ट्रेस रहता है, वी आर रनिंग अराउंड सो मच, देर आर लॉट ऑफ प्रेशर्स विच वी गो थ्रू, बट वेन वी टॉक अबाउट सर्कस इट सेल्फ गिव्स अ स्माइल ऑन अवर फेस, सो आई रियली लव द नेम, दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग हिम राइट अवे, दैट यू नो द नेम रियली फैसिनेट मी, लाइक सर्कस यू द हैप्पीनेस, यू नो वी हैव एंकर्ड हैप्पीनेस विद सर्कस बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज, इन द सेम वे वेन द पीपल विल कम हेयर एंड दे विल हैव नाइस अमेजिंग फूड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, सो दैट अगेन विल एंकर टू हैप्पीनेस, सो आई एम रियली हैप्पी विद द नेम फर्स्ट एंड देन द फूड, ऑफकोर्स द फूड इज़ वेरी नाइस, आई हैव टेस्टेड सर्टेन थिंग्स। हाँ, मुझे अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट है थोड़ा, और आई मीन इट्स लाइक वन यू नो इट गिव्स यू अ बूस्ट, खाने में भी अपने आप में एक कैपेसिटी होती है जो तुम्हारा मूड चेंज करता है, बिकॉज व्हेन यू ईट फूड देन देर आर सर्टेन हार्मोन्स विच रिलीजेज इन आवर बॉडी, सो आई थिंक द फूड हेयर डज अ परफेक्ट जॉब फॉर दैट, the name and the food, it's like in the sink, so create happiness for people, to create a change of the stressful life what we feel, and when they enter the ambience they have created in a way that it gives you a kind of boost in your mood, so I am really really glad that something like this has come up and with the amazing name, I love the name. Yes, thank you, my pleasure.
सर्कस सर्कस ये जो नाम है ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं कर चुका हूँ कॉमेडी सर्कस, और कॉमेडी सर्कस और सर्कस ये दोनों ही चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के दुख हरने के लिए और उनके चेहरे में मुस्कुराहट लाने के लिए मशहूर है। तो मैं रवि भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, आज तक ये कहावत थी कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इनकी काबिलियत को देख के लगता है कि जहाँ पर ना पहुँचे कवि, जहाँ पर भी ना पहुँच पाए अनुभवी, वहाँ पहुँच पाए हमारे भाई रवि। थैंक यू। तो सर्कस सर्कस इस प्यारे से पब को कहो, बार को कहो, रेस्टोरेंट को कहो, फैमिली, मतलब जिस तरह की आपकी मानसिकता हो उस तरह के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, खा पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ म्यूज़िक भी है, खाना भी है, मतलब गाना और खाना एक साथ। तो मुझे लगता है कि रवि भाई ने बहुत दूर का लोगों का एक्सपीरियंस और उनका अनुभव समझा है और उसके लिए मुझे खुशी है कि इसके ओपनिंग पर मैं आने का मुझे मौका मिला है। तो मैं ओपनिंग में बड़े ओपन हार्ट से सबको वेलकम करता हूँ। प्लीज़ आइए, अपना 2020 यहाँ बिताइए। थैंक यू। 2020 की शुरुआत अच्छी है जी। 2020 की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ कि आप मुबारक हो नया साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहे रवि भाई और सुनील का। थैंक यू वेरी मच। अमित शाह की आवाज़ में मोदी की आवाज़ में मित रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं देश भर में लोग बहुत सारे प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने हैं भाई भाई। एक जगह है जहाँ पर सब मिलकर खा पी सकते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं और वो जगह है सर्कस। अगली बार मैं यहीं आप सबको अपनी पार्टी दूंगा, उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। आप भाई हैं, खूब खाइए पिए, बिल अमित शाह देंगे क्योंकि बिल पास करने में उनका कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील पाल जी का। अभी कुछ दशहरा में मिले थे कलकत्ता में, मैंने क्या बताएं, पागल कर दिया था क्राउड को। और थैंकिंग, बहुत अच्छा शो हुआ था, बहुत अच्छा शो हुआ था वहाँ पर। शारदोस शो में होता है, शारदोस में है, 10 पल्ली शारदोस पल्ली 23 पल्ली रोड पर, बहुत अच्छा शो। और वो वहाँ पर गोल्डन टेम्पल जो बनाया गया था, मैं तो सोचा था कि मैं पंजाब में अमृतसर में ही घूम रहा हूँ। इतना प्यारा, इतना एकदम वही फील आ रही थी गोल्डन टेम्पल में। बिल्कुल। और वहाँ पर जो आने का परफॉर्म करने का मौका मिला, मैं माँ शारदा से और गोल्डन टेम्पल आई आई जी, हमारे बीच में लीना जी आई है। मुझे सर्कस का फूड बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया है। आई लव टू, लाइक आई एम ए इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो, तो आई लव टू सी इन्होंने जो पूरा सर्कस का एक थीम यहाँ पे बनाई है, पूरे जोकर एंड ऑल दिस, आई लव दिस, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे पब में जाके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ पार्टी सेलिब्रेट करना और अपने क्या ओके तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका फूड अच्छा है, इन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया है और मेन आप सब मीडिया जो मेरे इतने प्यारे हैं, दिल के बहुत करीब है, आप लोगों को इनवाइट किया है तो मेन मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना फिर, इधर आप लोग इधर है तो। मेरे माइंड में एक्चुअली यही आया कि सर्कस इन लाइक जो हम बचपन में देखते थे कि एक जोकर होता है वो अपना लाइक वो कहते हैं ना अपने अपने जो उसको करना होता है गेम्स कर्तव्य दिखाता है वो, तो मुझे लगा कि शायद उस टाइप का बच्चों का कुछ इन्होंने खोला होगा पर, बट नहीं, मुझे रियली इज वेरी नाइस कि इन्होंने बहुत एक अलग थीम से, यहाँ पे सिंगिंग है, यहाँ पर ड्रिंक्स है, वहाँ फूड है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्कस काफ़ी देखे मैंने, बहुत सारे सर्कस देखे और अलग अलग सर्कस देखे और ये भी कुछ अलग ही सर्कस है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वेरी पॉजिटिव प्लेस एंड आई थिंक, मैंने सुना है और मैं भी टेस्ट भी करने वाली हूँ, इनका खाना बहुत अमेजिंग है, बहुत यम खाना है मेरे ख्याल से, सो इट्स अमेजिंग फैंटास्टिक प्लेस। आपने टेस्ट किया फूड को, कैसा लगा फूड आपको? बहुत अच्छा लगा। आई एम बेसिकली वेजिटेरियन सो, बट इनके पास जो वेजिटेरियन खाना है वो नॉन वेज के कंपेयर में बहुत अच्छा है। आर यू फूडी? वेरी मच, इसीलिए मैं इस इवेंट पे हूँ।
आज कि मैं आज यहाँ कुछ अच्छा खा सकूँ. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. इनका फेवरेट है जिम और जिमना. क्या मैम क्या कहेंगे सर्कस के बारे में, यहाँ पे आए बैठक में खाया भी होगा. टेस्ट मैं जस्ट अभी किया है, मैंने पनीर ट्राई किया बिकॉज आई एम वेजिटेरियन सो इट वॉज यमी. एक्चुअली मैं नॉर्थ से हूँ तो वहाँ का खाना आपको पता है नॉर्थ का खाना बहुत यमी होता है, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा, यहाँ की स्मेल बहुत अच्छी लगी खाने की. सो लेट्स सी बट सर्कस नाम भी उतना इंटरेस्टिंग है और हम आ गए पहले दिन तो Hi guys, wish you all a happy new year 2020 and this is Myra here for all of you and this is such a beautiful place and the name itself that says like circus you know, like I'm so happy at least like it's so fun, it's so colorful and you know like it's an amazing concept. It's like you know the entertainment starts with circus you know, like life is all about a circus and I guess we all are joker here in this life, isn't it? So let's just get drunk and like wear your dancing heels and do come here to this beautiful place at Juhu Circus. Yeah, hi guys, I'm Pooja Rajorian. I'm actress and a model and I want to say it's an amazing place where you can sit, you can chill, you can enjoy your drink and enjoy the music. Thank you very much for inviting me, Mr. Pritam Sharma and all of you. सर्कस की जब बात करते हैं हम तो क्या आपके माइंड में आया यहाँ के बारे में? किंडर टाइप ऑफ अ हैप्पीनेस प्लेस वेयर यू कैन सी द जोकर्स एंड गेट सम काइंड ऑफ अ गुड वाइब्स एंड या अमेजिंग प्लेस टू हैव फन एंड चिल विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स. द फूड अगर टेस्ट किया आपने कैसा लगा फूड आपको? इट्स वेरी गुड इन टेस्ट एंड इट्स अमेजिंग. थैंक यू.